बात करेंगे मेंसेस की। दोस्तों एक महिला के लिए मेंसेस साइकिल का प्रॉपर तरीके से होना सोचिए कितना आवश्यक होता है। मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर होना अत्यंत ही आवश्यक है। आप सोचिए, पूछिए उन महिलाओं से जिनका पीरियड सही से नहीं आता। ड्यू टू इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस ऑफ ए वुमन इज टोटली डिस्टर्ब। वो हमेशा चाहेगी कि हमारा पीरियड सही समय पे आवे, सही मात्रा में आवे और सही समय से आवे। आज मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी होम्योपैथी की एक ऐसी अद्भुत दवा जिसके द्वारा इस समस्या को देखिए कैसे दूर करता हूं। और एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि आज मैं एक बहुत ही अद्भुत डोज के बारे में आपको बताऊंगा, यानी कि फिजियोलॉजिकल डोज। अब आप सोचेंगे व्हाट इज फिजियोलॉजिकल डोज। टुडे आई डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ डोज। आप समझिए, सपोज करिए कि पीरियड नहीं आ रहा है, आपका टाइम हो गया। सपोज करिए कि आपका पीरियड हमेशा एक तारीख को उसी के आसपास आता था, कभी दो, कभी तीन, कभी तीस, यानी कि एक दिन दो दिन पहले, एक दो दिन आगे पीछे, इस तरह का कि आपके पीरियड आ रहा था। लेकिन अचानक आखिर क्या हो गया कि आपका पीरियड पाँच दिन हो गया, आठ दिन हो गया, दस दिन हो गया, आ नहीं रहा। आपके दिमाग में निश्चित रूप से जाएगा कि मैं आखिर क्या हो गया भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इन्फेक्शन है यूटराइन में, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे वीकनेस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अंदर कोई परेशानी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेगनेंसी है। दोस्तों अगर आप इन समस्याओं से परेशान हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज देखिए कि आप इंटरनली फील करती हैं कि लग रहा है पीरियड आएगा, यानी कि सेंसेशन एज इफ देयर इज फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बट इट इज नॉट अपीयर, लेकिन होता नहीं है। रात बीत गई, दो दिन बीत गया, तीन दिन बीत गया, लेकिन आपको सिर्फ महसूस हो रहा है, हो नहीं रहा। ऐसी कंडीशन के लिए आज आपको देखिए कैसे गॉसिपियम से इस समस्या को दूर कराते हैं। अब सपोज करिए कि आपका पीरियड रुक गया, आप परेशान हैं, ऐसे कंडीशन में आपको गॉसिपियम मदर टिंचर 15-15 बूंद रिपीटेड वे में, ध्यान दीजिएगा यही है फिजियोलॉजिकल डोज, यानी कि आप इसे जल्दी जल्दी लीजिए और मात्र दो दिन लीजिए, दो दिन के अंदर ही आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ऐसे कंडीशन में अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करती हैं तो कभी कभी देखा जाता है कि फ्लो रुकता ही नहीं, फिर उसको स्टॉप करने की दवा लेनी पड़ती है, शरीर में बहुत कमजोरी आ जाता है और तरह के कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप कर जाते हैं। बट गॉसिपियम वनली एंड वनली आपके शरीर को केवल प्रभावित करेगी, दुष्प्रभावित नहीं करेगी, यानी समस्या को दूर करेगी, शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितनी अच्छी दवा है। अब सपोज करिए कि आपका पीरियड बहुत ही वाटरी आ रहा है, बहुत जिसे उसका जो नेचर है वो नेचुरल नहीं है, बहुत ही वाटरी डिस्चार्जेज हो रहा है, ऐसे कंडीशन के लिए भी गॉसिपियम को। अब ऐसे कंडीशन में आपको फिजियोलॉजिकल डोज नहीं लेना है, इसे क्या करना, 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम, आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप एक महीना दो महीना इसे ले लीजिए, फिर वो नेचुरल हो जाए। हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन आपके यूट्रस में हो जिसकी वजह से ऐसा हो, तो उसमें आपको इससे ऐसे आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये समस्या महिलाओं के लिए बहुत ही कॉमन है और उसमें वो परेशान हो जाती हैं, कभी कभी बहुत ही स्थिति हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टर्मिनेशन भी कराना पड़ता है, तो उस कंडीशन को भी ये आपको बचाएगी।
तो निश्चित रूप से आज की जानकारी हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही अद्भुत है। वो इस परेशानी से अपने आप को दूर कर सकती हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप YouTube पे डॉक्टर एसबी तिवारी को देखिए। और अगर आप चैनल से अभी तक दुर्भाग्य से नहीं जुड़े हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आइकन बेल दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया जानकारी आप तक शेयर किया जाए तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।